प्रधान जी जा पार्टी सरपंच गांव का लोग मिले मोद बरकत पर भी वेट को आवे तो और कम भी आवे अभियान लगाया कैंप लगाया तो मांग का अनुसार के गांव में काम हो सरकार हर बार कैंप लगावे लेकिन आप देखिए हो ये कैंप अलग तरीकों में लगे सारी सुविधा हर काम में तकलीफ भी जिम खालू भी रोड़ो अटकतो और रोड़ा ने मेरा हुए हो तरह तरह का ऑर्डर करवा ज्यादा ज्यादा फायदो गांव में बैठा 26 कौन का लोग निकाल मिले हमें चाहे पेंशन संबंधी हो चाहे और कोई बंटवारा संबंधी तरह तरह का सो काम आया अगर 10,000 अगर 20,000 अगर 50,000 हर तरह का काम है या फिर भी काम में कमी पड़ी लेकिन पूरा खत्म नहीं फिर दोबारा कैंप लगाया तो पहले का कैंप में 500 कैंप लगाया जिसमें फर्क आयो पहले का कैंप में आया दोबारा कैंप में भी आया तो हमें कई तरह की आई चाहे पानी की बात भी आ रही नरेगा मजदूर का मामा की बात भी आई कई तरह की दिक्कत हर कैंप में आई जिसमें पेंशन में कोई बैंड बैठी पीएम में बैठी अगर पेंशन कानूनी रोड़ो अटक रही हो पेंशन ना आई विकलांग बच्चों है इनके पेंशन ना आवे कोई जवान विधवा औरत है जवान विधवा होगी 18 साल को बेटो बेटी है तो पेंशन बंद दे जावे ये सब चीजें एक कैंप में 25 साल करवाई बाद में जो मुख्यमंत्री जी निवेदन करे हो सारे कैंपों में जो शिकायत आई कानूनी रोड़ा आया सांसद महोदय ने यह बात हुई तो बैठ दिल्ली में सोनिया गांधी से कानून बनाने का आदेश दिया मुख्यमंत्री जी ने कि तमाम लोगों को फायदा क्या ले सके वो सब तरह की छूटा करो लोगों आज दिन तक चेनी पड़ता आ गया चेनी को फायदा देना लेकिन वो जीवन स्तर ऊंचो न उठे यदि गांव में ज्यादा ज्यादा चेनी बढ़ता जा रहा चेनी ने पूरा फायदा देगा तो चेनी को ऊंचो उठ बने चेनी को निकलना चाहिए लेकिन जितना फायदा देगा तो ज्यादा चेनी करता जा रहा तो ये चीज में सोच सरकार आदेश भी दो कि तमाम मकान बनाने की व्यवस्था करो ताकि वो कोई पक्का मकान बने लेकिन फिर भी कई जगह लोग यू समझे को तो सरकारी मकान है जो सरपंच होशियार है अच्छे पंचायत राजीव गांधी सेवा केंद्र बना दो अच्छी सराय विश्रांति घर बना दियो निर्माण करी अच्छो करायो तो निर्माण में क्वालिटी बढ़िया थी तो उनके पानी भी कम से बेहती उनकी खर्ची भी न बैठे तो वो गाँव में आदमी की पेट जमे कहा हर आदमी 5 साल में 6 बोर्ड दे रहे एक बोर्ड वार्ड